नमस्कार, मैं नीता शर्मा। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। आज हम लेके आए हैं व्रत में खाए जाने वाला हलवा, जिसे हम सिंघाड़े के आटा और साबूदाना से बनाएंगे। चलिए तो फिर सबसे पहले इसकी हम सामग्री बताते हैं। आधी कटोरी सिंघाड़े का आटा, थोड़ा सा देसी घी, इलायची पाउडर, कस किया हुआ नारियल, थोड़े से साबूदाने, आधी कटोरी चीनी, ये बादाम जिसे हमने पहले से टुकड़ों में काट के रखा है। सबसे पहले हम साबूदाने को भून लेते हैं। कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालेंगे, उस साबूदाने को इसमें डाल देते हैं और मीडियम आंच पर लगातार इन्हें हम चलाते रहेंगे। इन्हें हम तब तक चलाएंगे जब तक साबूदाने अच्छे से फूल ना जाए। साबूदाने अच्छे से भुन चुके हैं। अब एक प्लेट में इसको हम निकाल लेते हैं। उसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा घी डालेंगे और जो हमने बादाम काट के रखा है उन्हें भी इसमें डाल देंगे। साथ ही डाल देंगे सिंघाड़े का आटा। मीडियम आंच पर लगातार इसे हम चलाते हुए भून लेंगे। सिंघाड़े के आटा भी भुन चुका है, इसे भी एक प्लेट में निकाल देते हैं। कढ़ाई में डालेंगे थोड़ी सी चीनी। जितनी हमने चीनी ली है उसी मात्रा में हम पानी को भी डालेंगे और अच्छे से इसे चलाएंगे जब तक हमारी चीनी घुल ना जाए। इसी तरह हम लगातार इसको चलाते रहेंगे। चीनी अच्छे से घुल चुकी है, अब डाल देंगे हम सिंघाड़े का आटा जिसे हमने पहले से भून के रखा है। लगातार इसको चलाते रहेंगे जी जब तक गाढ़ा ना हो जाए। इसी तरह हमें चलाते रहना है। हलवा अच्छे से गाढ़ा होने लगा है, अब डालेंगे इसमें हम इलायची पाउडर और साथ ही घी। घी को भी इसमें डाल दिया है, अब इसे हम अच्छे से मिलाएंगे। जो हमने साबूदाने भून के रखे थे उसको भी हम इसमें डाल देंगे। साबूदाने ऑप्शनल हैं, अगर आप पसंद ना करते हो तो मत डालिए। साबूदाने डालने के बाद इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। साबूदाना उस सिंघाड़े का हलवा बन करके तैयार है। अब डाल देंगे हम कस किया हुआ नारियल। आप भी बनाइए, खाइए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय माई की।